नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। एक प्रॉब्लम के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यह है मानसिक समस्याएं और प्लास्टिक सर्जरी, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। गायनेकोमेस्टिया हम लोगों का वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके पहले मैंने दो वीडियोज़ सिर्फ गायनेकोमेस्टिया के ऊपर बनाए हैं। एक में मैंने गायनेकोमेस्टिया डिजीज प्रोसेस के बारे में आपसे बात की है और ऑपरेशंस के बारे में, और दूसरे वीडियो में मैंने डिटेल्स में कौन से अलग अलग होते हैं प्लास्टिक सर्जरी में जिससे हम गायनेकोमेस्टिया को ट्रीट करते हैं, इसके बारे में बताया है। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उन दो वीडियोज़ में समय की कमी की वजह से डिस्कस नहीं हो पाया। हम लोगों के अपने एक्सपीरियंस में दो प्रकार से गायनेकोमेस्टिया प्रेजेंट करता है। जब एडोलेसेंट एज ग्रुप में लड़का जो है वो 10-12 साल की उम्र में उसको गायनेकोमेस्टिया के चेंजेस नज़र आने शुरू होते हैं, छाती के उभार जो हैं वो एबनॉर्मली बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और बच्चे के मन में जो लड़का होता है उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाता। अगर वो कभी शेयर कर भी लेता है तो कई बार उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और वो चीज़ें बच्चे के मन में ही रह जाती हैं। नॉर्मली जो एडोलेसेंट गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें कभी कभी बच्चों को छाती के उस हिस्से में या निपल में दर्द भी होता है। उस दर्द के लिए भी वो चिंतित रहता है, उसके लिए वो डॉक्टर से सलाह भी लेता है। हम इस तरह के पेशेंट्स को अक्सर ये सलाह देते हैं कि कुछ समय के बाद ये दर्द अपने आप कम हो जाएगा और ये परमानेंट नहीं रहेगा। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में जो एडोलेसेंट गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ये गायनेकोमेस्टिया के चेंजेस आ जाते हैं। ये प्राइमरी प्रॉब्लम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास सॉल्व होती है, और जब उसका एंडोक्राइन असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेशेंट को प्लास्टिक सर्जन के पास रेफर किया जाता है। तो जो एंडोक्राइन एसेज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो लेवल्स होते हैं बॉडी में, उससे एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तरफ से गो अहेड मिलता है तभी हम ये ऑपरेशंस प्लान करते हैं। जब भी 16-17 साल की एज में हम लोगों के पास आते हैं तो वो काफ़ी मानसिक तनाव में होते हैं, न तो वो इस बीमारी को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, न ही वो इसके बारे में डिटेल्स में किसी से बात कर सकते हैं, न वो इस बात को अपने मित्रों के साथ बांट सकते हैं, न ही वो घर में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सिर्फ वो कभी कभी अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स उसको जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो दे पाने में सक्षम नहीं होते और उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो इनकी ग्रोइंग एज होती है जब उनको पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता है, तो उनको ये सलाह दे दी जाती है कि पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और ये प्रॉब्लम जो है इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। लेकिन अगर कोई मेंटल स्ट्रेस में हो तो ऐसी परिस्थिति में उन पेशेंट्स को पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। अक्सर ये होता है कि 17-18 साल की उम्र में जब एजुकेशन के लिए बच्चों को घर से निकल के बाहर जाना पड़ता है तो उनको हमेशा सताती रहती है कि इसका अगर हमने अभी इलाज नहीं कराया तो बाद में जाके काफ़ी परेशानियाँ होंगी। तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए मेरा लोगों से निवेदन ये है कि इसको हम नज़रअंदाज ना करें। ये सीधे सीधे मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें पेरेंट्स के साथ खुल के लड़कों ने बात करनी चाहिए, प्लास्टिक सर्जन को दिखाना चाहिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं वो कराने चाहिए समय पे, और ऑपरेशन के द्वारा जो उभार हैं या जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करने के बाद आगे का जो एजुकेशन है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम गायनेकोमेस्टिया की इस प्रॉब्लम के साथ ही बच्चे को छोड़ देंगे तो न तो वो उसको डील कर पाएगा मेंटली भी और फिजिकली भी, और जो गोल्डन पीरियड रहता है ऑपरेशन का वो फैल जाने के बाद बच्चे को परमानेंटली साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। गायनेकोमेस्टिया इतनी कॉमन प्रॉब्लम है अभी के समय में, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस अभी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उन फैक्टर्स को करेक्ट नहीं कर सकते, ना हमारा उसके ऊपर कोई बस है और ना ही हम उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं परमानेंटली। ये गायनेकोमेस्टिया बाद में भी आता है जिसको हम लोग लेट ऑनसेट गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ये नॉर्मली 25 से 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में भी आ सकता है। ये तब आता है जब हम विगरस एक्सरसाइजेस छोड़ देते हैं, जिम में जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं उनको हम बीच में छोड़ देते हैं, और साथ में कुछ वेट गेन होता है।
उसमें जो गायनेकोमेस्टिया होता है वो थोड़ा अलग किस्म का गायनेकोमेस्टिया होता है, उसमें भी सेल्फ इमेज के बारे में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसमें भी पेशेंट को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। साइकेट्रिस्ट को दिखाने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको हम ये सलाह दे रहे हैं वो पागल है। उसको सिंपल मेंटल स्ट्रेस से लेके, फोबिया से लेके, एंग्जाइटी से लेके, डिप्रेशन से लेके बहुत छोटे छोटे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी से बिना मेडिसिन लिए भी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसको, इस टैबू को अपने दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। जो भी पेशेंट्स हैं उनको अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स के साथ उसके बारे में डिटेल्स में बात करनी चाहिए और जो उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट है उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।